क्लब। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या फिर खारगर स्टेशन उतरना है जो वहां से 40 किलोमीटर के आसपास है, एंड करजत यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे, यानी कि 5 to 6 किलोमीटर। तो करजत विल बी अ बेटर बेटर ऑप्शन। ऑप्शन या अगर स्टेशन से आ रहे हो और आप तो। आप लोग प्राइवेट कार से भी आ सकते हो, हम लोग उबर से आए, गरीब लोग। रोड टच प्रॉपर्टी है और सीधा आपको ऐसे कंटेनर्स दिख जाएंगे, एंड दिस विल बी योर स्टे। कैन यू बिलीव इट? ये तो कुछ नहीं, अंदर जाते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉपर्टी, मतलब ज़्यादा कोई झंझट वाली नहीं है, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन ब्यूटीफुल है। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। लेट मी टेल यू द मेन यूएसपी, द मेन यूएसपी ऑफ द प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पे क्यों आए? बिकॉज ऑफ दिस रिवर, उल्लास रिवर। मतलब ये रिवर फेसिंग प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पे होगा आपका स्टे। टोटल देर आर 11 रूम्स, 7 नीचे और ऊपर 4 रूम्स। तो अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे बड़ा सा पैसेज है एंड यहाँ पे सारे रूम्स है। ये लोअर बॉक्स है और ऊपर जो है वो अपर बॉक्स है। चलिए ऊपर का रूम दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो ये रहा ऊपर का रूम। ऊपर वाले जो रूम है वो नीचे वाले रूम से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। प्रॉपर्टी नई है तो क्लिनलीनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। इस रूम का कॉस्ट है 5,400 वीक डेज में, और वीकेंड्स जाएंगे तो 7,800 है। हमारा रूम नीचे है, लेट मी शो यू द रूम। यहाँ पे ड्रॉवर्स है, टॉवेल है, चप्पल भी है, टी मेकर, स्टडी टेबल है जो पढ़ाई कर सकती है। उसके बाद आता है एयर कंडीशनर, टेलीविजन, यहाँ पे मिरर है बड़ा सा, एंड दैट्स द बेड। दो लोगों के लिए बेस्ट है, और एक पर्सन है आपके पास एक्स्ट्रा पर्सन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा, एंड एक्स्ट्रा बेड का चार्जेस अराउंड 1,800। एंड दिस इज द बाथरूम, छोटा सा। और रूम की कॉस्ट है सिर्फ 4,800 प्लस टैक्सेस विद ब्रेकफास्ट। और लंच और डिनर के लिए आपको आला कार्ड या फिर अलग से वहाँ पे मेनू कार्ड है, जिसके प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, हम लोगों ने देख लिए। एंड मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं। अगर आपने दूसरी होटल भी बुक किया तो खाना खाने लोग यहीं पर आते हैं, और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, वाटर एक्टिविटीज़, वो करने के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पे ही आते हैं, बिकॉज इनका यूएसपी है वाटर एक्टिविटीज़ कराना। एंड द मेन पार्ट इज़ दिस, दिस इज़ द मेन इंक्रेडिबल पार्ट। दिस इज़ अ रिवर फेसिंग प्रॉपर्टी, एंड यही रीज़न की वजह से हम लोगों ने बुक किया है, एंड लिटरली द फूड इज़ ऑल्सो गुड। और नेचर लवर के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है, लविंग इट। यहाँ का वाइब एकदम शांत पीसफुल एरिया है, बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज़ें आ रही है, आप स्टडी कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और फ़ोन को दूर फेंक देना प्लीज़ यहाँ आके, प्लीज़ मैं हाथ दूर दूर जोड़ती हूँ। मत फेंकना फोन को, दूर मत फेंकना फोन को, स्विच ऑफ कर देना, साइलेंट मोड पर रख देना। और 8 बजे के बाद यहाँ पे स्पेशलिटी, आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल में रहने के लिए आए, बिकॉज आसपास में कोई नहीं रहेगा। आपको पहले पहले बोल दिया यहाँ पे 11 रूम ही है, और कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है, बिकॉज इट्स सो पीसफुल है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपने जंगल स्टे बुक किया है। इन शॉर्ट, जो सिटी लाइफ से परेशान है, जिसको शांति चाहिए, मेरे जैसा आदमी जिसको पीस पसंद है और मतलब कुछ भी मच मच नहीं चाहिए, वो यही प्रॉपर्टी आगे बुक कर लो, आपका सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा ये व्यू के साथ, प्लस ऑल द वाटर एक्टिविटीज़। वाटर एक्टिविटीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, रुक जाइए। तो चेक इन करने के बाद सीधा भूख लगी थी, इसके लिए हम लोग आ गए लंच करने। दिस इज़ मंचूरियन, वेज तवा रोटी। ये वाला वेजिटेरियन स्टार्टर था, इसका नाम था मैजिक रोल, जिसके अंदर चीज़ का स्टफिंग था। एंड दिस इज मिक्स वेजिटेबल। ले तो करे नहीं तू, बाय बाय किलो करे ही करो। बहुत पापा जो करो करे। तो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद सीधा चला गया वाटर एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज है, बहुत ही मस्त है। मैं आपको बोलने वाला हूँ क्या क्या है, कितनी सारी राइड्स है और उसके चार्जेस क्या है। और फिलहाल एक्टिविटीज करने के बाद चाय टाइम चल रहा है, एंड जस्ट लुक एट द क्लाइमेट।
एंड द व्यू अमेजिंग। तो वाटर एक्टिविटीज में बहुत कुछ है यहाँ पे, बनाना राइड है, कायाकिंग है, जॉर्बिंग है, फिशिंग है, वाटर साइकिलिंग है, स्टैंड अप बम्पर राइड है, सोफा राइड है, बहुत कुछ है। इसिंग इज अराउंड 350-400-450 उसके आसपास है। अगर आप पूरा पैकेज ले रहे हो यानी कि 8-10 राइड्स मिलेंगे आपको, दैट विल बी एट अ डिस्काउंटेड रेट एट अराउंड 1200 रुपीज। सो आई थिंक पूरा वाला ही बेटर है, हम लोग भी वही ले रहे हैं। एंड आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स जो हमने किए हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग कायाकिंग कर रहे हैं एंड ये हालत है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी बुक नहीं की है तो भी आप यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज करने आ सकते हो, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि इनका यूएसपी है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज और ये सारे सर्टिफाइड है और प्रोफेशनल्स भी है। ये है स्टैंड अप पैडल राइड, बट मेरी बहुत फट रही थी और काफी डिफिकल्ट था इसे चलाना, बिकॉज यू नीड टू बैलेंस प्रॉपरली। अगर बैलेंस जरा भी हिल गया तो सीधा आप नीचे गिर जाओगे, तो वही डर से मैं नीचे बैठ गया था। बट वैशाली डिड इट वेरी प्रोफेशनली, देख लो फर्स्ट टाइम कोई स्टंट यानी कि कोई स्पोर्ट इसने अच्छी तरीके से किया है। उसके बाद मैंने किया वाटर साइकिलिंग विच इज वन ऑफ माई फेवरेट। यार अब बारी आती है स्पीड बोट की एंड वी हाईली रिकमेंड दिस, बहुत ही मजा आ गया था। ये वाला स्लीपर बोट राइड भी काफ़ी अच्छा था, वी ऑल्सो रेकमेंड दिस वन। एंड उसके बाद हम लोगों ने किया बनाना बोट राइड विच वॉज फैंटास्टिक। सो हम लोग ने अभी डिनर में काठी रोल मंगाया है, स्प्रिंग रोल मंगाया है और मोमोज मंगाया है और पॉट राइस है, सुपर हॉट और डिलीशियस लग रहा है, लेट्स ट्राई। तो मैं अभी मोमोज खाने वाला हूँ जो मैंने मेरे लिए मंगाया, सिर्फ और सिर्फ मेरे मोमोज है वो। ए चल हम लोग भी खाएंगे, चल चीटिंग नहीं, ये क्या मेरे ही है हम लोग क्या देखेंगे तेरा तो क्या एक नंबर है। तो दैट वाज द एंड फॉर द डे वन, उसके बाद चुपचाप सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द सेकंड डे और ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, इडली सांभर पोहा पराठे विद दिस फैंटास्टिक किलर व्यू। चलो वड़ा पाव ट्राई करते हैं। खाना में रखवा के चटनी है। सुपर है, एक नंबर है। जी उल्लास रिवर इतना बड़ा है, ये जाके एंड होता है उल्लास नगर में एंड दिस इज द रीजन इसका नाम उल्लास रिवर है। यहाँ पे वेज और नॉन वेज का किचन अलग अलग है तो टेंशन मत लेना, और क्लीनलीनेस भी चेक किया हम लोगों ने, इट इज 10/10। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द डाइनिंग एरिया जो रेस्टोरेंट है इनका, ये वाला व्यू है विद सुपर्ब लाइट्स। आप यहाँ पे भी आके खाना खा सकते हो और एल्स यू कैन ऑर्डर इट डायरेक्टली टू योर रूम। यहाँ पे एक शख्स से मिला था, इनका नाम चिराग है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये प्रॉपर्टी में सारी चीजें खाने से लेके सब कुछ बहुत ही अच्छा सर्विस दिया, थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू। और यहाँ पे आके, यहाँ पे अगर आपने स्टे लिया तो डेफिनेटली कुछ भी रहेगा ये आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगा, थैंक यू सो मच। और भाई सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको बोलना भूल गया, दिस इज अ पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, आप अपने पेट्स को भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। आपको अगर ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो, और वी प्रिफर वीक डेज बिकॉज वीक डेज में रेट्स भी कम है और थोड़ा आपको शांति से आराम से इंजॉय करने मिलेगा, और एल्स आप वीकेंड्स में भी आ सकते हो, थोड़े से रेट्स ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल वी हैड अ फैबुलस एक्सपीरियंस। अगर कर्जत में आप कुछ यूनिक ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी आपको बुक करनी चाहिए। एनी क्वेरीज
कमेंट्स में मेंशन कर लो, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। रिटर्न जाते वक्त एक पंगा हो गया, रिटर्न में हम लोग को उबेर नहीं मिली बिकॉज प्रॉपर्टी बहुत ही अंदर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लोकल रिक्शा की, वो रिक्शा ने हमें बाहर तक हाईवे तक ड्रॉप किया, उसके बाद हमको उबेर मिल गई। रिक्शा वाले का नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया इस साइड तो आप उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वियतनाम के सारे वीडियोज अभी आने वाले, सो स्टे ट्यून्ड।